रेवाड़ी शहर की सीवरेज व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, जिस कारण शहर में मानसून के सीजन से निपटने के प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। रेवाड़ी शहर में इन दिनों सभी वार्डों में सीवर सिस्टम का बुरा हाल है। पुराने जमाने में डाली गई सीवरेज लाइन जगह जगह से जाम हुई पड़ी है। हालांकि प्रशासन विभाग की ओर से समय समय पर उन्हें शामिल करवाया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाता, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के सीजन में अधिक समस्या बाजारों में पैदा हो रही है। सीवर जाम होने के कारण पूरे दिन ओवरफ्लो होते रहते हैं और सड़कों पर दूषित और बदबूदार पानी फैला रहता है, जिस कारण दुकानदारी प्रभावित होती है। वैसे तो पूरी रेवाड़ी शहर में सीवरेज सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन शहर के बजाजा बाजार, काजीवाड़ा, नालबंदा, तेलीवाड़ा और सराय बलबद्दर आदि स्थानों पर समस्या अधिक बनी हुई है। बजाजा बाजार के दुकानदार संजय दुआ और प्रशांत महेश्वरी आदि दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण दुकान पर ग्राहक भी कम आते हैं और दुकानदारी भी चौपट हो रही है। तेलीवाड़ा में भी 3-4 दिनों से सीवर जाम की समस्या बनी हुई है। शिकायत के बावजूद ठीक कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही समस्या बन जाती है, जिस कारण लोग बदबूदार दूषित पानी में से गुजरने को मजबूर हैं और सरकार और प्रशासन के स्वच्छ भारत अभियान के दावे भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लोगों ने जल्द से जल्द समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट। ये जो हमारी सीवर की समस्या है, ये कम से कम 2.5 से 3 महीने हो गए रोज यही हाल होता है। सफाई के लिए आते हैं, यही साहब भेजते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता है। ये रोज यही सेम समस्या हमारे साथ है, और इतना गंदा बदबू और इतनी गंदी स्मेल से हमारा पूरा माहौल ख़राब रहता है यहाँ। कई बार कंप्लेंट करी, कई बार उन्होंने भेजा भी सही, लेकिन अच्छी तरह सफाई नहीं करने के कारण ये हमेशा रोज इसका ये डेली वार्ड में। ये वार्ड का तो आइडिया नहीं है, लेकिन महावीर चौक, बजाजा बाजार, कपड़ा मार्केट फेमस जगह है, और यहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी बदबू के साथ हम लोग यहाँ पर सहन कर रहे हैं। जब भी देखो ना, पीछे से सीवर ब्लॉक रहता है और यहाँ पे दुकानों के आगे पानी जमा हो जाता है सारा। कई बार सफाई कर्मचारियों से भी कहती, वो भी बेचारे कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई समाधान नहीं है पानी का। ये देखो, यहाँ पे सारा पानी भरा पड़ा है। भाव जी, शिकायत तो इसकी कई बार कर चुके हैं। शिकायत करने के बाद भी 2-3 दिन सही रहता है, फिर उसके बाद अब देखो आपके सामने ये सारा पानी भरा पड़ा है। हाँ जी, सीवर का पानी भरा रहता है यहाँ पे। पीछे से वो सीवर ब्लॉक है ना, जो वहाँ से सीवर आते, सारा पानी यहीं जमा हो जाता है। कई बार ये वाला सीवर भी खुल जाता है। बिल्कुल भाव जी, यहाँ तो कस्टमर के लिए झाड़ू बार